हेलो चिल्ड्रन, हम फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन का आज एक लास्ट टॉपिक है वो करेंगे, दैट इज सीड, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन। लास्ट क्लास में जो सीड और फ्रूट वो मैंने कन्वर्जन बताया था आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन स्पेशल फिनोमेना इन एंजियोस्पर्म्स, द टू स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड वर एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। ठीक है ना? तो दो चीजें जो बनती हैं आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन वॉज एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स द ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड एंड ओवरी टर्न्स इंटू फ्रूट। ठीक है, बाकी फ्लावर के दूसरे पार्ट्स जैसे कि सेपल्स, जैसे पेटल्स, स्टाइल, स्टिग्मा, ये जितने बाकी के पार्ट्स हैं ओव्यूल और ओवरी को छोड़ करके, दे आर ऑल डिसइंटीग्रेटेड। ये वो सब विदर हो जाते हैं, विदर होके वो ख़त्म हो जाते हैं, वो परसिस्ट नहीं होते। लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि आपको कोई एग्जांपल मालूम है जहाँ कोई सा एक पार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी परसिस्ट करता है? होते हैं, एक्सेप्शंस आर देयर, वो क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं बता रही हूँ कि वैसे तो सारे विदर ऑफ हो जाते हैं, दे जस्ट फॉल, बट एक्सेप्शंस क्या है इन ब्रिंजल। आपको मालूम है ब्रिंजल में, बैंगन में, कभी आपने देखा ही होगा बैंगन में ये जो ग्रीन कलर के ये होते हैं, ये हैं केलेक्स। क्या है ये? तो केलेक्स फ्रूट बन गया है, बैंगन इज अ फ्रूट। उसके बाद भी परसिस्टेंट परसिस्टेंट केलेक्स रहता है। ठीक है, किसमें? ब्रिंजल में। अच्छा, एक और फ्रूट बताती हूं जिसमें, दैट इज मटर, पी पी में भी आपको ये परसिस्टेंट केलेक्स मिलेगा। ठीक है, एक और बताती हूं, आप देख के समझ जाएंगे, दैट इज टोमैटो। इन टोमैटो ऑल्सो परसिस्टेंट केलेक्स, मतलब फ्रूट बनने के बाद भी केलेक्स बरकरार है। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स वेयर आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ विदरिंग ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टाइल, स्टिग्मा, सेपल्स स्टिल रिमेन, एंड दोज फ्यू एग्जाम्पल्स आर ब्रिंजल, पी, टोमैटो एक्सेट्रा। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल। ओके, नाउ व्हेन ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड, सो यू रिमेंबर मैंने जब ओव्यूल बनाया था तो मैंने इसके ये क्या बनाए थे, इंटेग्यूमेंट्स। क्या बनाए थे? इंटेग्यूमेंट्स। नाउ दीज इंटेग्यूमेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन टर्न इनटू सीड कोट। किसमें बदल जाते हैं? वो टफ सीड कोट में। ठीक है, बहुत कड़क सीड कोट में बदल जाते हैं। सो द सीड कोट्स, द आउटर वन इज कॉल्ड एज आउटर सीड कोट, यानी आउटर इंटेगमेंट इज टेस्टा, इट इज टफ, एंड इनर इज थिन, इनर सीड कोट रिमेन्स थिन एंड इट इज कॉल्ड एज टेगमेन। सो दीज आर द टू नेम्स, टेस्टा एंड टेगमेंट। सीड बनने के बाद जो ओव्यूल है वो टर्न हो जाता है सीड में, उसके जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो टफ सीड कोट में बदल जाते हैं। आउटर वाले को बोलते हैं टेस्टा, विच इज अ थिक टफ कवरिंग, एंड द इनर इंटेग्यूमेंट चेंजेस इनटू टेगमेन, विच इज कंपैरेटिवली थिन कोट। ओके, नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी,
क्लास में हूँ. सो दिस इज द अबाउट द सीड कोट. नाउ द एडवांटेजेस आफ्टर दिस फॉर्मेशन. क्यों सीड बनना, व्हाई एंजियोस्पर्म प्रेफर्ड टू फॉर्म सीड, बिकॉज उसके बहुत सारे फायदे थे. पहला फायदा पेरिनेशन. सीड क्या है, एक डॉर्मेंट एम्ब्रियो है. क्या है ये सीड, क्या है एक डॉर्मेंट एम्ब्रियो है. उस डॉर्मेंट एम्ब्रियो के कारण पेरिनेशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस को पार किया जाता है. सो अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट आर अवॉइडेड, आर प्रिवेंटेड. ठीक है ना, पेरिनेशन मतलब कि अनफेवरेबल, सूखा पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा पानी है, उस समय प्लांट को बाहर आना सीड से या सीड सड़ जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो कैसे उस समय को पार करें. सो उसके लिए पेरिनेशन वर्ड है, टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशंस ऑफ क्लाइमेट एनवायरनमेंट. सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्म. बीज बनता है इसलिए कि बीज के फॉर्म में वो डॉर्मेंट एम्ब्रियो द बेबी प्लांट रिमेन्स सेफ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. सीड खराब नहीं होता, सीड इज रिमेन्स वाइबल आफ्टर दैट ऑल्सो. नाउ डिस्पर्सल, द सेकेंड एडवांटेज इज डिस्पर्सल. सीड होते हैं स्मॉल, लाइट एंड टफ. ऐसा कोई प्रोपेग्यूल, कैसे प्रोपेग्यूल्स हैं, प्रोपेग्यूल्स वो चीज जो नए प्लांट को जन्म दे. सो दीज प्रोपेग्यूल्स जिसको हम सीड कह रहे हैं वो स्मॉल हैं, लाइट हैं, टफ हैं. सच प्रोपेग्यूल्स आर फिट फॉर गोइंग डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दूर तक फैलाव के लिए ये एकदम सही स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट में सीड. ठीक है, फॉर डिस्पर्सल. क्या है तीसरा एडवांटेज, क्वेश्चन आ सकता है वो एडवांटेजेस ऑफ सीड. डिलेड जर्मिनेशन. सपोज जैसे गेहूं है, चावल है, बीजी तो हैं. दीज सीड्स विच आर ईटन दे कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग, दे कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग, क्योंकि सीड फॉर्म ऐसा है जिसको रख सकते हैं. सो सीड्स, एडिबल सीड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग, नहीं तो हमें मिलते नहीं. क्यों, क्योंकि उनके पास टफ सीड कोट है जिसमें मॉइस्चर एंटर नहीं होता, काफी दिनों तक रख सकते हैं. और इस तरीके से उनमें डिलेड जर्मिनेशन मतलब बहुत महीनों, वी कैन कीप फॉर मंथ्स, सम सीड्स कैन बी केप्ट फॉर ईयर्स. आप गेहूं को एक दो साल तक रखो और जब फेवरेबल कंडीशन पे मिट्टी में थोड़ा पानी डालोगे तो गेहूं का पौधा आ जाएगा. सो ऐसी बीज हमको ये फैसिलिटी मिलती है सीड फॉर्मेशन से. सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, नाउ एनसीईआरटी हैज गिवन एन एक्टिविटी, वो एक्टिविटी अपन करेंगे और उसका इन्फ्रेंस क्या है उससे रिगार्डिंग सीड्स. क्या है एक्टिविटी में, द चना दाल, यू नो व्हाट इज चना, ग्राम ऑल्सो नोन एज बंगाल ग्राम, नॉर्मल चना यू ऑल नो. ठीक है, सो टेक फ्यू सीड्स ऑफ, फ्यू सीड्स ऑफ बंगाल ग्राम also can also be called as chana. ठीक है, बंगाल ग्राम और ग्राम और नॉर्मल चना यू नो. दैट चना जो है इट लुक्स लाइक दिस, अ पॉइंटेड बीक सॉर्ट स्ट्रक्चर इज देयर एंड देयर इज बीच में एक पार्टीशन जैसा दिखता है. ठीक है, एंड यू हैव वन पोर लाइक स्ट्रक्चर एंड वन ओवल स्ट्रक्चर हियर. लाइक दिस चने का बीज दिखता है. हमने लिया, उनको पानी में
गला दिया. सो सोक इन वाटर फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए पानी में गला दिया चनों को. फिर कुछ घंटों बाद जब वो गल गए, थोड़े से साइज बड़ा हो जाएगा बिकॉज दे विल एब्जॉर्ब लॉट ऑफ वाटर. साइज जब फूल गए चने, तो क्या करा उनको, एक वेट क्लॉथ में कीप देम इन वेट क्लॉथ ओवर नाइट. क्या करा, गलाया, सोक इन वाटर, रिमूव द एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया, फिर उनको गीले कपड़े में रात भर रखा. नेक्स्ट मॉर्निंग ऑब्जर्व, उसको निकाल के देखा, तो यू विल फाइंड द जस्ट व्हाट जस्ट देयर इज अ दिस फिशर टाइप डीप खांच है, उधर से वो इजीली ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं. तो हाथ से ऐसा मैनुअली उनको स्प्लिट किया और ऑब्जर्व. अब ये स्प्लिट करेंगे तो व्हाट विल यू सी, देखो ये दोनों डायग्राम्स दिए हुए हैं, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको लेबलिंग भी, दिस इज द सीड कोट पार्ट विच आई एम ड्रॉइंग विद द ब्लू, दिस इज द सीड कोट एंड द पार्ट विच इज नाउ द this structure like this is observed in the middle. ठीक है, ये now this structure is called as the whole green part is called as embryonal axis. क्या बोलते हैं इसको, embryon. Now, this is seed coat. All the labeling should be there. क्योंकि डायग्राम भी आता है क्वेश्चन में. ठीक है, दिस सीड स्प्लिट अपार्ट आफ्टर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट, उसको गीले कपड़े में रखा. ठीक है, दैट चना व्हेन इट इज स्प्लिटेड, दीज टू स्ट्रक्चर्स आर कॉटिलिडन्स. ठीक है, चना एक डाइकॉट सीड है, तो उसके दो कॉटिलिडन्स हैं. ठीक है, सो दिस इज दीज आर द कॉटिलिडन्स. नाउ दिस एम्ब्रियोनल एक्सिस को मैं निकाल के अलग से बताती हूं. सो दिस एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज, सपोज दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, बाहर निकाला उसको ये. ठीक है, सो आई विल जस्ट हाईलाइट इट ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, सो दिस एम्ब्रियोनल एक्सिस इज having lot of parts. कैसे कैसे parts हैं, just ये embryonal axis है. ठीक है, कौन सा, ये इसको पूरे को, also called as tigellum. दूसरा नाम क्या है embryonic axis का, tigellum. वो terms important है. Now this whole embryonic axis consists of this portion, this is called as plumule. क्या बोलते हैं इसको, plumule, future shoot. This portion, middle जहां से cotyledons के level, ये level से ऊपर का portion plumule, नीचे का portion जो है वो this is the radical, and radical से क्या होता है, future root. प्लिम्यूल से फ्यूचर शूट, शूट मतलब पत्ती, स्टेम वगैरह. एंड दिस नाउ फ्रॉम वेयर द कॉटिलिडन्स आर अटैच्ड, उस लेवल से प्लिम्यूल तक, मतलब यहां से लेकर प्लिम्यूल तक का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हाइपो, उसको बोलते हैं सॉरी उसको बोलते हैं एपिकोटाइल. कौन सा रीजन बोलते हैं उसको, एपिकोटाइल. ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन को रूट तक के बोलते हैं हाइपोकोटाइल. ठीक है, सो एपिकोटाइल क्या,
इस लेवल से ऊपर का जितना भी पोर्शन है, प्लिम्यूल तो लीफ प्राइमोर्डिया वगैरह सब, ये एपिकोटाइल, ये वाला हाइपो. तो टू बी वेरी स्पेसिफिक, दिस इज एपिकोटाइल एंड दिस पार्ट इज हाइपोकोटाइल. क्लियर है एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल. अब अगर चना बंद है तो ये जो फिशर है बीचों बीच, इसमें दो आपको एक स्कार दिखता है, दिस इज इंपॉर्टेंट. इसको बोलते हैं हाइलम. क्या बोलते हैं सीड में? हाइलम. ये वो जगह है, वो दाग है वहां पर, वहां पर से स्टॉक यानी ओव्यूल की जो स्टॉक अटैच थी, ओव्यूल जहां से अटैच रहता है, वो स्टॉक जब चना निकालते तो वो तो स्टॉक का बस एक दाग रह जाता है, उसको बोलते हैं हाइलम. एंड उसके नीचे एक पोर है, बाकायदा छेद है, नीचे होता है ये बीक के जस्ट ऊपर, उसको दैट पोर इज माइक्रोपाइल. क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोपाइल. दिस लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थ्रू दिस ओपनिंग, सिर्फ यही एक ओपनिंग होती है, बाकी तो स्टफ सीड कोट रहता है. कौन से? आउटर टेस्टा एंड टेगमेन. तो ये जो माइक्रोपाइल ओपनिंग है, इसी से जैसे ही आप मिट्टी में कोई भी बीज लगाते हैं, सो थ्रू दिस पोर माइक्रोपाइल मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन एंटर्स. सो थ्रू माइक्रोपाइल, पूछ सकते हैं क्यों? सो थ्रू माइक्रोपाइल व्हाट एंटर्स? ऑक्सीजन एंड वाटर, मॉइस्चर, ताकि क्या हो सके? फॉर व्हाट? जर्मिनेशन. फॉर जर्मिनेशन. जर्मिनेशन बाहर, उसमें से स्ट्रक्चर्स रेडिकल और प्लिम्यूल. रेडिकल विल गिव राइज टू फ्यूचर रूट एंड प्लिम्यूल विल गिव राइज टू फ्यूचर शूट. सो प्लिम्यूल विल गिव राइज टू फ्यूचर शूट. सो दिस दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट फॉर. वॉट इज डॉर्मेंट एम्ब्रियो? डॉर्मेंट एम्ब्रियो मतलब ही सीड के अंदर क्या सुरक्षित है. दिस बेबी प्लांट विच इज विच कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, प्लिम्यूल, रेडिकल, द रीजन एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल. ठीक है. नाउ दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स जिसको बोलेंगे कॉटिलिडन्स. ठीक है. अगर ये गेहूं चावल का बीज होता तो वो कौन सा होता? वीट एंड राइस. वीट एंड राइस ये मोनोकॉट्स हैं. तो वीट और राइस दोनों जो मोनोकॉट सीड हैं, इनमें ओनली वन कॉटिलिडन इज प्रेजेंट. एंड इन कॉटिलिडन्स व्हाट इज स्टोर्ड? फूड इज स्टोर्ड. अब एक कंफ्यूजन सबको होता है. मैंने जब डबल फर्टिलाइजेशन बताया था तो मैंने कहा था कि दो चीजों का फॉर्मेशन होता है, एक तो एम्ब्रियो विच विल इन फ्यूचर टर्न इनटू बेबी प्लांट, और एक होता एंडोस्पर्म विच विल प्रोवाइड फूड या नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है, यही मकसद था डबल फर्टिलाइजेशन का. लेकिन बहुत सारे डाइकॉट, बहुत सारे नॉट ऑल, बहुत सारे डाइकॉट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब थोड़ी ही समय में उनका एंडोस्पर्म पूरा यूज अप हो जाता है बाय द डेवलपिंग सीड के अंदर ही यूज हो जाता है. तो प्लांट को थोड़ा जब तक बड़ा होना रहता है तो उसकी नरिशमेंट का काम कौन टेक ओवर कर लेते हैं? इन डाइकॉट सीड्स, मेनी डाइकॉट सीड्स, कॉटिलिडन्स. कौन ले लेते हैं वो काम? और कितने हैं डाइकॉट? तो कितने कॉटिलिडन्स हैं? दो कॉटिलिडन्स. इन मोनोकॉट्स, तो मैं लिख देती हूं, मोनोकॉट्स जो हैं दे आर यूजुअली, नॉट ऑल, एक्सेप्शंस आर देयर, यूजुअली एंडोस्पर्मिक, मतलब उनमें एंडोस्पर्म ही क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स नरिशमेंट. ठीक है. जब तक कि ये लीव्स, लीफ, प्राइमरी लीव्स बड़ी होकर अपना खाना ना बना लें फोटोसिंथेसिस, तब तक तो वो ऐसे सीड्स क्या कहलाते हैं? जैसे गेहूं है, चावल है, एंडोस्पर्मिक. लेकिन मोस्ट डाइकॉट, जैसे चना इज अ डाइकॉट, सो मोस्ट डाइकॉट्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक. ठीक है.
मतलब उनमें एंडोस्पर्म बनता है लेकिन वो पहले ही पूरा यूजअप हो जाता है। जब तक सीड बनने का टाइम आता है, फुली मेच्योर्ड सीड जब तक बनता है, जब तक एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है, लेकिन एम्ब्रियो को नरिशमेंट तो चाहिए, तो वो काम कौन कर ले लगते हैं, ये दो। सो कॉटिलेडंस प्रोवाइड फूड, ठीक है ना। स्टोर्ड फूड किस में रहता है? कॉटिलेडंस में। इसका मतलब ये है कि मोनोकॉट्स में कॉटिलेडन, मोनोकॉट में भी कॉटिलेडन रहता है, पर कितना? एक। मोनोकॉट्स में कितने कॉटिलेडन है? ओनली वन। एंड डाइकॉट्स में कितने हैं? टू, ठीक है। सो व्हेन यू सो दिस मैच्योर सीड, जिसका मैंने ड्रॉइंग बनाई है, डोरमेंट एम्ब्रियो, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस ओनली इट विल कम आउट एज प्लिम्यूल, एंड प्लिम्यूल विल गिव राइज टू फ्यूचर शूट, एंड रेडिकल विल गिव राइज टू फ्यूचर रूट। ओके, सो फ्यूचर शूट एंड फ्यूचर रूट मतलब प्लांट बन गया। ये दो डायग्राम्स एनसीईआरटी में जर्मिनेशन के टॉपिक में दिए हुए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज अ क्लोज चना बंगाल ग्राम सीड एंड इट हैज टू, वन स्कार एंड बीक, ये दिस इज द बीक, बीक की तरफ छेद होता है माइक्रोपाइल, और किस लिए होता है? फॉर एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर जर्मिनेशन, इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन। हाइलम इज ओनली अ स्कार, एक दाग है। When we, after the activity I have told you, if you split open the two cotyledons, because chana is a dicot seed, and the embryonal axis also called as tigellum, the whole embryonal axis enlarged, plimule, radical, epicotyle and hypocotyle region. Clear? Epicotyle or hypocotyle कैसे decide करते हैं आप? कैसे करते हैं? कॉटिलेडन जहां से अटैच्ड हो उसके ऊपर का हिस्सा एम्ब्रियोनल एक्सिस का एपिकोटाइल और नीचे का इट इज हाइपोकोटाइल। क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स द सीड इन डिटेल, एडवांटेजेस ऑफ सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, एक्टिविटी वी हैव डन। सो द रिप्रोडक्शन एंड इन प्लांट्स, ईच एंड एवरी टॉपिक इज कंप्लीट। इन नेक्स्ट we will start with human reproduction. Till then, thank you so much.